अभी एक फिल्म रिलीज़ होने वाली है पठान, उसको लेकर खूब विवाद देश में है। लगातार हर कोई अपनी आवाज़ उठा रहा है, बड़े बड़े मिनिस्टर बोल रहे हैं और बायकॉट फिल्म का सोशल मीडिया पर लगातार दिखाई दे रहा है। आप एक्टर होने के नाते क्या कहेंगे इस फिल्म पर, आपका क्या कमेंट है? सबसे पठान जो है मूवी मैं देखने चलूंगी, दर्शक मित्र क्या आप मेरे साथ चलेंगे? सिर्फ इतना कहना ही कुछ लोगों को बड़ा परेशान कर देता है। पठान मूवी देखिए, बिल्कुल देखिए। शाहरुख खान जी जो है वो हमारे देश की आन बान शान है, बहुत बड़े टैक्स पेयर है। जनता को जो अरे सरकार को जो है वो टैक्स तो फिल्मों से चाहिए, लेकिन फिल्मों का ही बहिष्कार करना है। योगी जी को जो है वो फिल्मों से इन्वेस्टर भी चाहिए और फिर बायकॉट बायकॉट हैशटैग भी चलाना है। सुनील शेट्टी जी ने जो है मुंह पर उनको बोल दिया है, तो वो उनको उनके लिए वो बहुत अच्छी बात नहीं है। सुनील जी ने जो कहा वो शर्म की बात है योगी जी के लिए, सरकार के लिए, कि उन्होंने करारा तमाचा मारा है कि ये सारी चीज़ें बंद कीजिए। जनता समझती है, जनता समझदार है। पठान मूवी बहुत अच्छे से चलेगी, ज़ोरों शोरों से चलेगी। कुछ जो गटर के कीड़े होते हैं उनके कहने से, जो बायकॉट बायकॉट करेंगे उनके कहने से उनको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। शाहरुख खान जी कौन है? एक्टर है। फिल्म साइन करेंगे उनको, उनकी फिल्म, उनका पेमेंट तो मिल जाएगा, वो तो घर चले जाएंगे। उसके बाद जो पठान मूवी है वो हिंदुओं की भी तो मूवी है। डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, आर्ट डायरेक्टर होता है, लिरिक्स डायरेक्टर होता है, बहुत सारे जो है उसमें काम करते हैं। जॉन अब्राहिम जी है, अक्षय कुमार जी जो बहुत बड़े देशभक्त हैं, उनकी सासू माँ भी है डिम्पल कापड़िया जी, आशुतोष राणा जी भी है, ये सब हिंदू नहीं है। दीपिका पादुकोण जो है वो हिंदू नहीं है, तो फिर हिंदू की भी तो मूवी है। किस तरह से ये कहते हैं कि वो शाहरुख खान की मूवी है और किस तरह से ये लोग हैशटैग चलाते हैं, उसमें कुछ साधु साध्वी भी लग जाते हैं। बिल्कुल मुझे तो एक बात समझ ही नहीं आती है कि बड़ा अच्छा एक चोला धारण करके फिर नफरत नफरत खेलो। तो जनता को पता तो चलता है ना, लोगों को पता चलता है, और ख़ास कर ट्विटर में लोगों को अच्छी तरह से पता चलता है कि कौन ये राजनीति खेल रहा है, किसका ये षड्यंत्र है और कौन जो है कैसी विचारधारा का है, सबको पता चलता है। पठान को कुछ होगा नहीं। और पहली बात, आजकल जो ये 2014 के बाद से सरकारी हिंदू कुछ उत्पन्न हो गए हैं, यही शाहरुख खान यही काजोल की मूवी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, भैया आज भी मराठा मंदिर जो है मुंबई में आज भी एक शो चलता है, बड़ी पॉपुलर मूवी, तब किसी को नहीं लगा कि भाई हिंदू लड़की काजोल और शाहरुख खान जो है मुसलमान लड़का है। अरे इनके बाप दादाओं ने कई कई बार दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी देखी थी। यही जो सलमान खान की जो मूवी थी और माधुरी दीक्षित की मूवी थी हम आपके हैं कौन, किसी ने नहीं कहा कि अरे माधुरी जो हिंदू है और वो ये जो सलमान खान जो है वो मुसलमान है, किसी ने भी नहीं कहा। बड़े चार चार बार सभी ने मूवी देखी होंगी। और बात अगर ये अश्लील और सारी चीज़ों की करते हैं तो भाई रंग जो है वो किसी के बाप की बपोती है नहीं, आज तक तो पता था ही नहीं है मुझे। मुझे ये लगा था कि नहीं, रंग सवाल है कि ये भगवा कलर का अपमान हो रहा है। लगातार लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि भगवा का अपमान आखिर क्या, क्यों आखिर भगवाई क्यों एक बिकनी के रूप में उन्हें मिला दीपिका को? क्या ये उनका एक स्टंट है कि फिल्म को हिट कराया जाए या इस तरीके से? और जिस तरीके से आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की फ्लॉप हुई, उसके बाद अब शाहरुख खान को भी डर सताने लगा कि कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी और इसीलिए अब मंदिर मंदिर जा रहे हैं। जी जी, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। डर इन एक्टरों को कभी सताता नहीं है, इन्हें अच्छी तरह से पता है कि मूवी अगर अच्छी है, अगर कहानी अच्छी है, स्क्रिप्ट अच्छी है, लोगों को पसंद आएगी तो वो किसी भी तरह से हिट होगी। और अगर इनके पेमेंट की बात है तो वो हीरो को हीरोइन को अच्छा सा पेमेंट मिल जाता, उन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कुछ वक्त कहते हैं कि मन्नत इनकी बिकवा देंगे, ये बेचारे मन्नत मानते ही रह जाएंगे, लेकिन शाहरुख खान जी या सलमान खान जी, आमिर खान जी, इनका कुछ भी बाल बाका। आपको लगता है डर लगने लगा एक्टर्स को कि फिल्म बनाएं और उसके बाद कुछ विवाद उसमें खड़ा ना हो जाए, खासकर मुस्लिम एक्टर्स को, जिस तरीके से आमिर और अब शाहरुख को डर सताने लगा? आपको लगा है कि जिस तरीके से बायकॉट चल रहा है उससे डर कहीं ना कहीं अब बन चुका है और इसीलिए सुनील शेट्टी कह रहे हैं कि बायकॉट बंद होना चाहिए? नहीं नहीं, डर नहीं, सुनील शेट्टी जी इसीलिए कह रहे हैं कि भाई ये जो गंदगी है, गंदी राजनीति आप फिल्मों में घुसा रहे हो, ये बंद कीजिए। फिल्मों का क्या मतलब होता है? एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। और भक्त कहेंगे कि दिन रात जो है भजन करते रहिए और राम जो है लीला दिखाइए, रामायण दिखाइए, महाभारत दिखाइए, तो ऐसे नहीं होगा। हर तरह की फिल्में लोग देखना चाहते हैं, हर विचारधारा के लोग, ये पाँच उंगली सेम नहीं है। कोई थ्रिलर देखना चाहेगा, कोई रोमांस मूवी देखना चाहेगा, कोई एक्शन देखना चाहेगा, कोई मर्डर मूवी देखना चाहेगा। बहुत सारे जो लोगों में ऐसी मानसिकता है कि वो अलग अलग तरह की मूवी देखना चाहेंगे, उनके अपने विचार है, इनके कहने से कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, यहाँ किसी का कोई अपमान नहीं हुआ। रंगों पर तो किसी के बाप की कोई
कोई बपोती आज तक है ही नहीं। दूसरी बात कि फिल्मों में कोई आपत्तिजनक सीन है या गाना है तो वो वहाँ के लोग डिसाइड करेंगे, वहाँ एक पैनल बैठा हुआ है इसी के लिए। अगर राजनेता और कुछ लोग ही इस पर ये सारी चीज़ें करने लगेंगी तो जनता समझदार, जनता को जो करना होगा वो करेगा। मूवी जिसको देखनी होगी वो देखेगा, मुझे देखनी है मैं भी देखूँगी, तो यहाँ किसी का कोई अपमान नहीं हो रहा। अच्छा, राम तेरी गंगा मेली मूवी देखी है भैया आपने? राम तेरी गंगा मेली, भाई राम का नाम, गंगा मैया का नाम। वो देखिए मंदाकिनी जी कैसे वो गाना गा रही है, गंगा तुझे बुला रही है। और वो देखिए झरने के नीचे बिल्कुल एकदम आप देखेंगे पूरी तरह से जो है निर्वस्त्र होकर कोहरा का चादर लपेटे हुए, देखा है आपने? किसी को अपमान नहीं होगा। सत्यम शिवम सुंदरम मेरे भाई, ये हिंदू बहुत बड़ा नाम, सत्यम शिवम सुंदरम मेरे आराध्य देव महादेव जी के नाम से वो भी है। देखा आपने वो जिन्नत अमान जी ने किस तरह से वस्त्र लो और वो शिवलिंग पे किस तरह से अच्छे से वो जो नाच रही, तब किसी को अपमान नहीं लगा। तो ये सरकारी हिंदू 2014 के बाद से पैदा हुआ है, इनका कुछ नहीं हो सकता और मूवी को कुछ नहीं होगा। मेरी शुभकामनाएं, थैंक यू।